हेलो जी कैसे हैं आप अब मैं चाचा बोल रहा हूँ अच्छा, मेरी, अच्छा, मेरी अच्छा, अच्छा, नमस्कार कैसे नमस्छा। हैं आप? आप सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया तैयारी में लगे पड़े <laughs> मेरी भी आपसे बात नहीं हुई कभी तो रात बात हो रही थी अब तो ये है दिन भी कम रह गए दस पंद्रह दिन की बात है फिर ओ, बस तैयारी कर रहे हैं लगे पड़े तैयारियों में फिर भी है लड़के वाले हो हमसे कमी हो रही होंगी हाँ <laughs> ये तो है खैर तो मैं कल ना मैं कल जा रहा था शॉपिंग पे तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं, कुछ ऐसा ना हो कि रह जाए इसीलिए <laughs> फोन किया मैंने हाँ अच्छा किया आपने फोन कर लिया आ, मैं तो बस फोन ही करने वाला था बात करनी थी आपसे हाँ जी बताइए चलिए शॉपिंग वॉपिंग करने अगर आप अगर आप जा ही रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो रीति रिवाज होते हैं ना हाँ जी तो कुछ मैं अपने रीति रिवाज आपको बता देता हूँ उस हिसाब से आप आ, कर लीजिएगा जी हमारे यहाँ जैसे अगर दो तो हमारे चाचा और जो है हमारे आ, मामा जी, हाँ जी।, हाँ जी। उनको आ, सूट ले लीजिएगा उनके लिए रीति रिवाज है हमारे ना ये रीति रिवाज रीति रिवाज के हिसाब से हा, हा हा ये रीति रिवाज है ये आ, मिलने पर सूट देते हैं आ, नहीं? नहीं? नहीं चलो मैं मैं भाई भाई साहब साहब से से बोल देता हूं, से बोल देता देता मिलनेता अच्छा और आ, आपको बताया होगा ना कि हमारे यहाँ रीति रिवाज में जो जितने जेंट्स हैं आ, उनके लिए अंगूठिया तो ले ली होगी आपने नहीं अंगूठिया अंगूठी मतलब आप गोल्ड की बात कर रहे हो हाँ हाँ गोल्ड की अंगूठिया जेंट्स को और लेडीज को एक एक सेट गोल्ड गोल्ड की अंगूठिया लेकिन गोल्ड की अंगूठिया तो... तो करने, तो तो करने पड़ते हैं ये तो मैं मैं भी मानता हूँ मैंने पहले कहा मैंने कहा रीति रिवाज तो पूरे करने पड़ेंगे ना उसमें तो ये तो बिल्कुल अच्छा और वो बेटे के लिए आप जो घड़ी दोगे ना हाँ जी हाँ उसकी है ना पिक्चर भेज देना क्योंकि वो दिखाना पड़ता है ना यहाँ पे रीति रिवाज है वो तो रीति रिवाज हाँ नहीं नहीं मैंने इसलिए फोन किया मैंने कहा तो नहीं यार रीति रिवाज जरूरी है उसके हिसाब से ही करना पड़ता है नहीं, 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 वो फोटो वो जरूर भेज दूंगा अच्छा की आपने ये बता दिए अच्छा ये इन्होंने भी कहा है इनके भी रीति रिवाज है तो मैं, मैं मेरे से कह रहे थे तू तो बात कर लीजिए तो आपके आप यहाँ शॉपिंग वॉपिंग हो गई है सारी तो, हाँ, तो होगी ऑलमोस्ट हो, नहीं मेरे ख्याल वो तो कर लिया हो गया ना आपने क्यूँकी हमारे इनके हमारे यहाँ रीति रिवाज है जो लड़की है ना उसकी जितनी मासी है उसकी जितनी चाची है ना इन सब के लिए एक एक तो सोने का सेट मतलब रीति रिवाज के हिसाब से ये नहीं है कि कुछ अलग से कर रहे हैं लेकिन रीति रिवाज है इनके यहाँ तो वो देख लेना आप और जो लड़की है क्योंकि रीति रिवाज है शुरू से होता हुआ है जो जो लड़की है उसकी जितनी सहेलियां होती है ना मेरे ख्याल से सात आठ सहेलियां उनके लिए ब्रेसलेट होता है का और ये ये भी चाचा के बच्चे और ये सारी इनके लिए भी दस दस रीति दस दस मतलब रिवाज है और जैसे जैसे आप ये हमारी घर आएगा लड़का बरात लेके तो घोड़े तो से जैसी घोड़ी से उतरेंगे ना तो उसमें एक लाख पच्चीस हजार रुपए का वो है मतलब हमारे यहाँ रीति रिवाज है शुरू से चलता है ना एक पच्चीस एक पच्चीस तो आप बोल देना उनको जेब में एक पच्चीस रख लिफाफे में रख दें कैसे भी रख दें वो रीति रिवाज के हिसाब से कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है मतलब रीति रिवाज बहुत जरूरी है वो आप समझ रहे हो वो कह रहे थे बता देना अब ये तो पता होगा आपको रिबन जब काटेगा ना लड़का आएगा रिबन काटेगा तो उसमें ये है जो जो सामने खड़े होते हैं हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है जो सामने खड़े होते हैं सबको एक एक मोबाइल फोन अब रीति रिवाज में भी आपको पता है भाई सब चेंज आ गया है तो हमारे यहाँ जब जूता छुपाई में ना पैसे वैसे देने अब अब अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे तो जैसे जितने लोग मिलकर जूता छुपाएंगे ना लड़के का तो उनको सबको मॉल का पैकेज दे, दे देना हमारे रीति रिवाज है मतलब कहीं बाहर भेजना होता है उनको यू नो जैसे सहेलियाँ हैं बहनें हैं इन सब का पैकेज कर देंगे ना वो आप आप इन्फॉर्म कर देना क्योंकि पैकेज कहिए पहले बुक करना पड़ता है तो वो करा देना आप ठीक है आप, आप मजाक कर रहे हो क्या तो शुरू किसने किया था शुरू भी तो आपने किया था ना खत्म मैं कर देता हूँ एक काम कर देते हैं भाई साहब चलो एक काम करते हैं ना आप भी खत्म करो मैं भी ख़त्म करता हूँ बिना रीति रिवाज के करके देखें प्यार भी इतना ही रहेगा देखना आप वैसे आई एम सॉरी मैं बीच में आ गया मेरे तो इन्विटेशन भी नहीं था लेकिन अब मैं जरूर आऊँगा शादी में और चलूँगा आपकी आप तरफ से हूँ मैं।, मैं 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 रेडियो में चीज ने बोल रहा हूँ सर ये रीति रिवाज छोड़ के ना आप नॉर्मल तरीके से शादी करो ना तो मेरे ख्याल से दोनों तरीके से पैसे बच जाता है है ना और काम में लाएंगे आगे एजुकेशन में वगैरह में लाएंगे हेलो हलो हेलो ठीक है मैं कोशिश करूँगा लेकिन आपको भी एक वादा करना पड़ेगा जी बोलिए ना आपको आना पड़ेगा शादी हंड्रेड परसेंट आऊंगा हंड्रेड परसेंट आऊंगा आप बात करके देखिए सर ये बात करके देखिए और अच्छी तरह शादी करेंगे मैं आऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा थीका? ठीक है ठीक है <laughs> ओके सर बाय बाय